दुर्गम पहाड़ियां आप देख रहे हैं, महाराव शेखा जी ने इन्हीं दुर्गम पहाड़ियों में उनकी दोबारा से व्यू रचना की। इस बार लेकिन उनके साथ अच्छा ये रहा कि निर्वाण जो उनके नाना जी थे, उनकी तरफ से भी चौहानों ने उनका साथ दिया। 1200 पन्नी पठान उनके साथ हो गए थे, तो उनके पास 2500 से ज्यादा की फौज थी और साथ में चौहान आ गए। 45 से 50 हजार की फौज जो आमेर की थी, आमेर ने अपनी पूरी शक्ति इसमें झोंक दी थी। जब आमेर के राजा चंद्रसेन ने आक्रमण करने की सोच ली और चढ़ाई कर दी राव शेखा जी पर, धोली के युद्ध में जो चंद्रसेन जी थे, अब की बार 25,000 सैनिकों के साथ उन्होंने महाराव शेखा जी पे आक्रमण करने की सोची। आमेर का मान सम्मान हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा मान सम्मान था। धोली जो है इसी तरीके का दर्रा है, ये जो आप देख रहे हैं एक इसी तरीके का दर्रा है, जो उस समय उसको धोली बोला जाता था, धोली की घाटी, आज उसको धोली बोलते हैं। ये धवली है, जो हमारी राजस्थानी भाषा में धोली कहते हैं। तो जिस गांव की मैं चर्चा कर रहा था, धोली गांव, अब ये थोड़ा मॉडर्न तरीके से बस गया है, पहले ये पूरी तरीके से पुरानी तरीके से हुआ करता था। ये कुछ ही सालों में अभी ऐसा हुआ है। ये धवली, ये वो पहाड़ हैं जिनके पीछे जंग हुई थी, धवली के पहाड़ के पीछे, आज भी संरक्षित है। ये वो ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पे धोली का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था आमेर और महाराव शेखा जी के बीच। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा ये बांडी नदी है जो वर्तमान में बहती तो नहीं है, ये पूरी पहाड़ों की श्रृंखला है जो सामोद के पहाड़ हैं, और ये पूरी दूर से ये पूरा लंबा बांदी नदी का मुहाना था। ये बांदी नदी यहाँ से बहती थी और पास में ही धोली, आज धवली बोलते हैं उसको, धवली गांव है। तो जो आमेर के साथ में युद्ध हुआ था चंद्रसेन जी के साथ में, ये अभी राजमार्ग बना हुआ है, लेकिन पहले ये राजमार्ग नहीं था, ये पूरा जंगल था और ये बांडी नदी दूर तक जाती है। तो आमेर की सेनाएं उस तरफ से आई थी और वहां आज भी आप लोग जाओगे तो बहुत बड़ी बड़ी गहरी खाई हैं, गहरी खाई हैं, कोई 40 फुट, कोई 50 फुट, कोई 30 फुट, और पहाड़ियों के बीच में। महाराव शेखा जी ने अपने 1800 सैनिकों के साथ में एक व्यू रचना की। उस व्यू रचना के हिसाब से एक ही तरफ से जाने आने का रास्ता है, आप देखिए इधर से आने का रास्ता है ये पूरा, और वहां से ये चारों तरफ से बंद है। शेखा जी की एक बड़े युद्ध विशारद थे, रणनीतिज्ञ थे, उन्होंने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा। दो भाग उन्होंने पार्श्व में जो नाले आते हैं, एक तरफ से नाले आते हैं, एक तरफ पहाड़ों से नाले आते हैं, उन नालों के अंदर अपने घुड़सवारों को छुपा दिया और स्वयं सामने खड़े हो गए छोटी सी सेना लेकर के। अब महाराव शेखा जी ने क्या किया कि अपने 600 सैनिकों की एक टुकड़ी जो है वो इसके पीछे कर दी और 600 सैनिकों की टुकड़ी इसके पीछे कर दी, छुपा दी, और खुद 600 सैनिकों के साथ में सामने से आए, बिल्कुल सामने से आए, और इधर से आमेर की सेना आई। ये पूरी आमेर की सेना इस तरफ से आई और इस स्थान पे आके ये युद्ध का जब मैदान बना, और अब चंद्रसेन हाथी पर सवार होकर के बहुत बड़ी सेना लेकर के और बरवाड़ा के तरफ से इस नदी में, एक बांडी नदी के तट में चलता आ रहा था। तो वहाँ पे पूरी दूर दूर तक जो है आमेर की सेना थी, तकरीबन कोई 25-30 हजार सैनिक थे, ज़्यादा ही थे, 40 हजार के लगभग, क्योंकि चंद्रसेन जी ये सोच के आए थे कि आज महाराज शेखा जी के मतलब मैं अरेस्ट करके ही लाऊंगा,
या तो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे या मैं उन्हें अरेस्ट करके लाऊंगा। तो वहां शेखा जी अपने 600 सैनिकों के साथ यहाँ आसपास डटे हुए थे। अब उनको ये देख के लगा कि ये शेखा है, ये इसकी ये फौज है और ये मेरी इतनी बड़ी फौज से लड़ेंगे। बाकी दोनों जो पार्श्व भाग थे ये नजर नहीं आ रहे थे कि कहां पर क्या है। चंद्रसेन जी को उसका आभास तक भी नहीं था। उनको सामने केवल एक शेखा जी की थोड़ी सी सेना सी, एक छोटी सी सेना एक खड़ी नजर आ रही थी। शेखा जी रणनीति के तहत उल्टे पांव पीछे खिसकते गए और धीरे 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 करते हुए चंद्रसेन जी की पूरी फौज इन दोनों पहाड़ों के बीच में आ गई। जब तक कि चंद्रसेन की पूरी सेना पार्श भाग के दोनों के भाग में नीचे नहीं आई, उनके बीच में आते ही उनके एक सिग्नल से, एक संकेत मात्र से तीन तरफ से सेना पर हमला हुआ। आमेर की सेना ने देखा कि ये तो सामने 600 ही आदमी है, इनको तो 10 मिनट में हम सलटा देंगे और युद्ध शुरू हुआ। तब महाराज शेखा ने ऑर्डर दिया कि 600 सैनिकों ने इधर से, 600 सैनिकों ने उधर से दोनों तरफ से अटैक किया। तो सामने से शेखा जी ने किया। उस वक्त चंद्रसेन जी हाथी पर सवार थे। उस हमले का एक उनके पास में कोई एक प्रतिकार भी नहीं था। शायद वो अपनी एक तीव्रता को नापने के लिए, बनाए रखने के लिए घोड़े पर सवार हुए। जब लोगों ने देखा कि चंद्रसेन जी हाथी पर नहीं है तो लोगों में खलबली मच गई, एक असमंजस फैल गया कि चंद्रसेन जी नहीं रहे। और इस वक्त उनका युद्ध हुआ। उस युद्ध में चंद्रसेन जी भाग करके, सेना को साथ भाग करके आमेर की तरफ भागे। तो चंद्रसेन जी की सेना को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और उस युद्ध में उनके 18,000 सैनिक मारे गए थे, ऐसा सुनने में आता है। और इतिहास के अंदर आमेर की सबसे करारी हार वो मानी जाती है। और शेखा जी ने आमेर की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। समस्त सेना शेखा जी की ऊंट और घोड़ों पर थी। ऊंटों की संख्या उनकी लगभग 300 के आसपास आंकी जाती है, जबकि उनके पास बाकी सेना में थे वो करीब 7 से 7,500 उनके घुड़सवार सैनिक थे। और सारे घुड़सवार उनके अपने ही जो घोड़े थे अश्वशाला में पले हुए होते थे, ट्रेंड किए हुए होते थे। तीसरा उनका सिद्धांत था कि शत्रु को वो एक अपनी संख्या बल के आधार पर भ्रम पैदा कर दिया करते थे। पर राव शेखा जी की जो कुशल युद्ध रणनीति थी उसका प्रभाव यह रहा कि राजा चंद्रसेन राव शेखा जी के चक्रव्यूह में फंस गए, उनकी सेना फंस गई, उनकी सेना बुरी तरह से पराजित हुई। राजा चंद्रसेन जी को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। अब आप ये देख रहे हैं पीछे, इतना बड़ा दर्रा है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों के बीच में फंसी हुई कोई भी सेना उसको आप कैसे बचाओगे? मतलब जैसा कि मैंने कहा था कि 18,000 के लगभग सैनिक जो है उनके खेत हो गए चंद्रसेन जी के। और चंद्रसेन जी गुस्से से तिलमिला उठे, पूरी सेना अस्त व्यस्त हो गई थी और महाराज शेखा जी की बड़ी विजय हुई है। यह धौली का युद्ध था और इस धौली के युद्ध में राजा चंद्रसेन की हार हुई थी और इस हार के बाद राव शेखा जी का एक जो उनका जो ओरा था, उनका जो एक साम्राज्य था, उसका जो विस्तार करने की जो उनकी नीति चल रही थी उसमें उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। आमेर जैसे समृद्धशाली साम्राज्य को उन्होंने युद्ध के मैदान में आमने सामने हराया था और इससे उनकी धाक जो है चारों तरफ फैल गई। आमेर की बड़ी भर्त्सना हुई और उनको शर्मसार होना पड़ा। चंद्रसेन जी इस बात से बहुत बुरी तरीके से तिलमिला उठे, क्योंकि ये आमेर के जो है उनका जो धाक थी उसका सवाल था। तो धौली का जो युद्ध हुआ उसके बारे में इस एपिसोड में हमने चर्चा की।
और इस महाविजय से पूरे अमृतसर में विजयोत्सव था। अब इसके पश्चात हम अगले एपिसोड में कुकस के युद्ध की बात करेंगे। तब तक के लिए मेरा आपसे निवेदन है, पुनः निवेदन है, अभी तक का आपका जो प्रतिसाद मिला है वो बहुत ही बढ़िया रहा है, और आप आगे भी इसे देखते रहिए और अपने लोगों से सब्सक्राइब कराते रहिए, क्योंकि हमारा ध्येय ये है कि अभी तक का जो गलत इतिहास पढ़ाया गया है, हमारे जो परमवीर योद्धा रहे हैं, हमारे हीरोज रहे हैं, उनसे वंचित किया गया है। उनके बारे में जानकारियां ना देके हमें अंधेरे में रखा गया है, तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारा ध्येय यही है कि हमारे असली हीरो के बारे में हम जाने। देखो, एक समाज होता है, वो अपने समाज, अपना विलेन और हीरो डिसाइड करता है कि मुझे किस तरीके से बनना है। धर्म, जाति, संप्रदाय की बात नहीं है। महाराज शेखा जी ने सारे संप्रदायों को इकट्ठा किया, आज उनके वो सामूहिक हीरो हैं। आप इंडोनेशिया जाएंगे तो राम वहाँ के हीरो हैं, रामलीलाएँ आज भी होती है, मुस्लिम कंट्री है। अफगानिस्तान जाएंगे तो कनिष्क वहाँ के हीरो हैं, वो मुस्लिम कंट्री है। वहाँ का हीरो अहमद शाह अब्दाली नहीं है, कोई भी अहमद शाह अब्दाली बनना नहीं चाहता। आप मोहम्मद साहब जो हैं वो वहाँ के हीरो नहीं है, इंडोनेशिया के हीरो राम ही हैं। तो हमें ब्राह्मण जो है वो प्रकांड पंडित था रावण, लेकिन ब्राह्मण उसे अपना हीरो नहीं मानते, हीरो राम को ही मानते हैं, क्योंकि उसकी नीतियाँ गलत थी। उसी तरीके से धर्म, संप्रदाय और जाति से हटके हमको अपने हीरो और विलन डिसाइड करने पड़ेंगे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो हमारे असली हीरो हैं, जिन्होंने हीरो जैसा काम किया है, जिनकी वजह से हम हैं, तो उनकी इस गाथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब करवाइए, अपने बच्चों को दिखाइए। मेरा यही निवेदन है आपसे। महादेव। धोली का युद्ध विक्रम संवत 1527 में लड़ा गया, ये 6वां युद्ध था। इसके लिए बड़ी एक रोचक घटना है कि जब उनका मनोबल गिरता जा रहा था, सेना का मनोबल गिर गया, सामंतों का मनोबल गिर गया, और खुद चंद्रसेन जी का मनोबल भी अगर देखा जाए तो वास्तव में गिर रहा था, और स्वयं के प्रति उनमें एक आत्मग्लानि, एक कुंठा पैदा, एक ईर्ष्या, ये सब शेखा जी के प्रति पैदा हो रखी थी।